हेलो गाइस, वंस अगेन स्वागत करता हूँ खोजी अनुपम यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आए हुए हैं भवाली, और भवाली से आज हम जा रहे हैं नैनीताल एक स्पेशल पर्सन से मिलने। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, और उनसे आज मिलवाने वाले हैं हम। और उससे पहले हम रास्ते में रुके हैं, और सामने देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ये सुसाइड पॉइंट है और सेल्फी पॉइंट भी बोलते हैं इसको। और हमारे साथ एक भाई भी हैं, और इनका भी यूट्यूब चैनल है। भैया का क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? मेरे चैनल का नाम है MCM ट्रैवल व्लॉग्स। ओके, आपको अभी फ़िलहाल तो उसमें उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी ट्रैवल है अभी उनकी वीडियो में डाल रहा हूँ जी। आगे जाके और आगे एक्सप्लोर करेंगे तो आगे जाके आपको और जगह का भी मिलेगा वीडियोस वगैरह। भैया से कहूँगा हेलमेट और मास्क उतार दें तो आगे जाके मिलते हैं आप। और मैं भी भैया के साथ ही जा रहा हूँ, और मिलवाने उन स्पेशल पर्सन से। आपने थंबनेल देख लिया होगा, और उनकी लाइफ के बारे में जानते हैं, उनके व्लॉग के बारे में जानते हैं, और भी चीज़ें उनकी बताएंगे। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए, अभी हम रास्ते में हैं, मिलते हैं आगे आपसे। बने रहिए ब्लॉग में, और वीडियो पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है। थंबनेल से तो आप जान ही गए होंगे आज हम कहाँ पे हैं। तो आज हम हैं नैनीताल में, और जिन खास मेहमान से आपसे मिलाने का वादा करा था वो अभी हमारे साथ हैं, जिशान अली। हेलो सबको, नैनीताल। और इनका चेहरा ही काफ़ी है, और हमें इनके ज़्यादा तारुफ करने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैं आया हुआ था नैनीताल, और नैनीताल में काफ़ी दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि जिशान अली भाई से मुलाकात हो सके, क्योंकि नैनीताल की सारी छोटी से छोटी बारीकी इन्फॉर्मेशन आपको भाई के चैनल पे मिलने वाली है। मतलब कि आप नैनीताल जब भी आने का प्लान कर रहे हैं, आप नैनीताल से बाहर से हैं, या फिर नैनीताल के आसपास हैं, हल्द्वानी से हैं, या फिर रानीखेत से हैं, या फिर आसपास के किसी भी पहाड़ से हैं, तो जिशान अली भाई के चैनल पर, क्योंकि जिशान अली नैनीताल के नाम से हैं, डेली आपको नैनीताल की अपडेट मिलने वाली है। बिल्कुल, और एक से एक बढ़िया अपडेट और अट्रैक्शंस नैनीताल के बताते हैं। तो ये छोटी सी मुलाकात है, और पूरा जानेंगे कि कैसे भाई ने चैनल शुरू करा, और किस तरीके से ये वर्क करते हैं अपने चैनल पे, ताकि और जो यूट्यूबर भी देख रहे हैं और मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, इनसे इंस्पायर हों और सीखें कि किस तरीके से यूट्यूब पर बढ़ा जाता है, और ये अपना क्रेडिट किसे देना चाहते हैं यूट्यूब के लिए। ये सब बातें इनसे जानते हैं, और हम पूछते हैं इनसे दो चार सवाल। तो भाई, कैसे शुरुआत हुई यूट्यूब में आपकी? पहले तो आपके जितने YouTube फैमिली, उनको मेरी तरफ से सबको मोस्ट वेलकम है। और आपने मुझे अपने ब्लॉग में लिया, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने ब्लॉग में लिया। और पहले तो मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो लगभग 2016 में करी थी। तो 2016 में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी YouTube में, तो मैंने ये सोचा था कि यार अच्छे अच्छे लोग तो नैनीताल घूम जाते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके पास ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है, पैसों की तंगी होती है, किसी चीज़ की तंगी होती है, तो वो लोग मायूस हो जाते हैं, और दिल में ही उनको एक मलाल होता है कि यार हम नैनीताल जैसी जगह में नहीं घूम पाते हैं, या हमारे नैनीताल में जो पिकनिक स्पॉट में उसमें नहीं घूम पाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ऐसा माध्यम है, और यूट्यूब ऐसा चल गया है, क्रेज चल गया यूट्यूब में, तो क्यों ना अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों तक नैनीताल पहुँचाया जाए। तो मैंने ये सोचा कि हम जब लोगों तक ये ब्लॉग पहुँचाएंगे तो देखते हैं कि कैसा हमें रिस्पांस मिलता है। जब मैंने पहला ब्लॉग बनाया, दूसरा ब्लॉग बनाया, तीसरा ब्लॉग बनाया, तो लोगों को रिस्पांस मिलना, मतलब लोगों को जो रिस्पांस मिला था अच्छा मिला था, मुझे भी लोगों से रिस्पांस अच्छा मिला था जी। तो फिर मैंने जब हल्के हल्के स्टार्ट करा, तो लोगों को काफ़ी दिलचस्पी होने लगी मेरे ब्लॉग में, तो वो देखना पसंद करने लगे मेरे ब्लॉग को। तो इसी तरीके से मैंने स्टार्ट करा, और उन लोगों के लिए स्टार्ट करा जिनको दिल में मलाल होता है, या जो नैनीताल नहीं आ पाते, जो लोग ये समझते हैं कि नैनीताल बहुत हाईफाई जगह है, हम मीडियम क्लास लोग हैं, हम नहीं जा सकते नैनीताल, तो उनके लिए मैंने ये ब्लॉग बनाना शुरू किया। अच्छा, तो हमारे पीछे देख ही सकते हैं आप, ये खूबसूरत झील है नैनीताल की, और जिसको रोज़ जिशान भाई सराहते हैं अपने YouTube चैनल पे, और उसी से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल एकदम सटीक देते हैं। और अभी जिशान भाई के ब्लॉग्स में काफ़ी अच्छे चले हैं, धर्मशाला की वीडियो है ना, और एक भाई ने यहाँ पे जो ईजा जी के गेस्ट हाउस की ईजा होम स्टे के नाम से वीडियो डाली, वो भी मेरे ख्याल से 65K के ऊपर जा रही है, और काफ़ी वीडियो 100K के करीब भी है ना, और सब्सक्राइबर भी भाई के अच्छे रोज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने क्या, क्यों भाई से मिलके आपकी मुलाकात कराई जाए। तो भाई, आपका नैनीताल के बेस्ट प्लेस आपको कौन सी लगती है नैनीताल में, कि जो सबसे आपकी फेवरेट हो?
मेरी तो खैर सभी फेवरेट हैं, वैसे जहाँ पे मेरी जो फेवरेट नैनीताल की सन, नैनीताल की लेक फेवरेट है मेरी, और अच्छा। इसके पास हमारी एक फुटपाथ है और अच्छा। इसी के पास मैं आता हूँ ज्यादा ब्लॉगिंग में यही करता हूँ, क्योंकि अच्छा। जो नैनीताल में जो टूरिस्ट आते हैं पर्यटक अच्छा। आते हैं वो ज्यादा अपने पिकनिक स्पॉट पर घूमने के बाद फिर वो आते हैं हमारे फुटपाथ में। आप कहीं भी चले जाइए लेकिन आपको जो ज्यादा क्राउड और ज्यादा रश मिलेगा, भीड़भाड़ मिलेगी, वो हमारे फुटपाथ में ही मिलेगी जी। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि नैनीताल आने का कोई सीजन है, तो मैं जानना चाहूँगा कि बेस्ट टाइम क्या रहता है नैनीताल आने का? बेस्ट टाइम तो हमारा नैनीताल में ये रहता है, मैं अपने ब्लॉग में भी अभी आजकल ब्लॉग में बता रहा हूँ कि जो हमारा बेस्ट महीना है जो घूमने का है वो मई है। अच्छा। एक से लेकर 30 तक आप मई में आइए और अच्छा। मई में के बीच में आइए, और बीच में मई में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा 15 जून के बाद तो बरसात लग जाती है। अगर आप जून में आ रहे हैं, बरसात में आ रहे हैं, तो आप पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं तो बरसात आ जाती है, तो बरसात आ गई तो आप लोग घूमना का मजा जो है किरकिरा हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा था मई में आइए, क्योंकि मई में बेस्ट में हमारा वेदर भी रहता है और टूरिज्म जो पर्यटक होते हैं वेदर बड़ा प्यारा रहता है, तो आप मई में आइए। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे शान भाई ने बताया कि मई का सीज़न सबसे बेस्ट होता है, तो जैसे होम स्टे करना है किसी को, रुकना है होटल में, तो प्राइस कहाँ से शुरू हो जाते हैं होटलों के, और मतलब कहाँ तक इंसान अफोर्ड कर पाए इसमें? देखिए प्राइस तो इसमें जो हमारे जो है चाहे होटल हो चाहे होम स्टे हो, तो इसमें जो प्राइस ना अप डाउन होते रहते हैं। जैसे अभी आजकल का दौर चल रहा है, मतलब सीजन चल रहा है इस टाइम, तो इस टाइम जो प्राइस जा रहे हैं हमारे 3,000-3,500 इस टाइप से जा रहे हैं। जो हमारा ऑफ सीजन रहता है जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर रहता है, तो उसमें आपको 500 रुपये में भी अवेलेबल हो जाते हैं और 1,000 रुपये में हो जाते हैं, तो इसमें डाउन होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। तो मतलब कि 500 रुपये में आप मतलब नैनीताल में रुक सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तारीख में आ रहे हैं, किस सीज़न में आ रहे हैं और किस होटल में रुक रहे हैं। और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है, 3 पार्किंग है, दिशान भाई ने अभी वीडियो दिखाई थी, मैंने फिलहाल अभी आपको 3 पार्किंग दिखाई है, क्योंकि हमारी बड़ी पार्किंग है, यहाँ पे आपको गाड़ी खड़ी करने में कोई असुविधा नहीं होगी, सुविधा ही होगी। और वैसे तो छोटी मोटी पार्किंग और है, लेकिन मैंने 3 पार्किंग आपको दिखाई है। पहली है हमारी DSA पार्किंग, मेट्रोपोल पार्किंग और अशोक पार्किंग, इसमें आप आइए, अपनी गाड़ी पार्क करिए और फ्री माइंड आप नैनीताल घूमिए। और भाई बताइए कि नैनीताल के आसपास के क्षेत्र में अगर कोई टूरिस्ट जाना चाहे तो अगर जी कौन से रहेंगे बेस्ट जगहें? जैसे आप नैनीताल से बाहर निकलना चाहते हैं, जैसे 10-15-20 किलोमीटर आप घूमना चाहते हैं, तो पहला हमारा नैनीताल से पड़ता है खुरपा ताल जी, वहाँ जाइए, वहाँ भी एक लेक है, उसके पास पड़ता है सरिया ताल, वहाँ भी घूमिए, वहाँ वाटरफॉल है। फिर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है भीमताल, 7 ताल, 9 कुछिया ताल, इसके मैंने ब्लॉग बना रखे हैं, अच्छा। तो आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन आप यूट्यूब में सर्च करते थे भीमताल, 9 कुछिया ताल, 7 ताल, तो आप यहाँ भी घूम सकते हैं। यहाँ भी हमारी नैनीताल से बड़ी जो लेक है वो भीमताल में है, भीमताल भी आप जाइए जी, वहाँ भी घूमिए। अच्छा। और भाइयों मैं बताना चाहूँगा, मैं शाम खेत में रहता हूँ और मेरे भी काफ़ी सारे नैनीताल के ब्लॉग हैं, वो आपने देखे ही हैं और दिशान भाई ने भी देखे होंगे एक आध, तो कुछ कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में और मेरे ब्लॉग के बारे में? मैं आपके चैनल के लिए ये कहना चाहूँगा कि आपका चैनल भी ग्रो करे और आगे से आगे एक हर दूसरे तीसरे दिन सब्सक्राइब गेन होते रहें, ब्लॉग में व्यूज़ आते रहें जी। और आप ये मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अभी तो आप बना रहे हैं ब्लॉग, तो आपके जो व्यूवर्स हैं, जो आपकी यूट्यूब फैमिली है, भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये मुरादाबाद के तो ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आपको यूनिक से यूनिक ये ब्लॉग देते हैं, साथ में नैनीताल की ब्लॉग भी देंगे और अभी कुछ दिनों में बाहर भी निकलने वाले हैं, वहाँ की ब्लॉग भी देंगे। तो भाई काफ़ी मेहनत करते हैं, तो इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इनके ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा दूर दराज तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी इनके ब्लॉग से फायदा हो। और दिशान अली भाई जो दिशान अली नैनीताल चैनल है, उस पर भी भाई मेरा ब्लॉग साथ में डालने वाले हैं, तो उस ब्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। और ये छोटी सी मुलाकात थी दिशान भाई से, और जो कि हम अभी नैनीताल की ठंडी सड़क पे हैं, तो ठंडी सड़क के बारे में भी कुछ दो शब्द बताएं। ठंडी सड़क को इसलिए कहते हैं क्योंकि दरअसल जाड़ों में तो खैर ये बहुत ही ठंडा होता है, लेकिन जब हमारा समर वेकेशन होता है, गर्मी आती है जैसे आजकल चल रहा है, तो आपको मालूम है जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी वहाँ पे पूरी धूप है, तो वहाँ पे इस टाइम हमारी बड़ी गर्मी पड़ रही है, तो वहाँ पे गर्मी का एहसास हो रहा है। लेकिन आप जब ठंडी सड़क में आएंगे तो आप ये सोचेंगे कि हम नवंबर दिसंबर का है, महीना चल रहा है, तो यहाँ पे धूप नहीं आती है, काफी ठंडा ठंडा महसूस होता है जी। तो ये बेस्ट जगह है नैनीताल में, अगर आपको मतलब गर्मी में आते हैं तो ठंड के लिए, है ना, ठंडी सड़क में आइए जी। और यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करिए अपना, अच्छा, तो यहाँ पे बता देंगे फॉरनर्स लोग इवनिंग वॉक वगैरह के लिए, ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा करते थे। हेलो गाइस, और हमारे साथ भाई भी हैं भीमताल से, ईशान अली भाई तो हैं ही, भाई अपने चैनल के बारे में बताएंगे। हेलो दोस्तों जी, मेरा चैनल है MCM ट्रैवल व्लॉग्स जी, और मैं भी नैनीताल की अपडेट डालते रहता हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा दोस्तों आपसे कि जो हमारे अनुपम भाई है, खोजी अनुपम करके इनका चैनल है, इस पर आप ढेर सारा प्यार दीजिए और इनको सपोर्ट करिए, ताकि ये भी आपको अच्छी से अच्छी अपडेट दे पाएँ और आप इनको देख पाएँ कि ये क्या क्या आपको बताएंगे और अच्छी से अच्छी ये जानकारी अपने चैनल पर आपको देंगे। मैं बताना चाहूँगा, हम पड़ोसी हैं, भाई भी भीमताल से आ रहे थे, मैं भवाली से आ रहा था, तो भीमताल के बाद भवाली आता है, तो मैं भाई के साथ ही
भाई के साथ ही स्कूटी पे आया हूँ और अधिशान अली भाई से मिलने के लिए। तो अब हम तीनों हैं और आने वाले टाइम में प्लान कर रहे हैं कि ब्लॉग लाने का नैनीताल के आसपास का। तो इस छोटी सी मुलाकात थी अधिशान अली भाई के साथ और इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं यहाँ पे। और अधिशान अली नैनीताल चैनल यूट्यूब, मेरे चैनल के जो वीडियो का लिंक है उसके अंदर आपको मिल जाएगा अधिशान अली भाई का चैनल का लिंक। और जाके जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो भी मेरी फैमिली है, वो जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी वीडियो को शेयर करें। और नैनीताल जब भी आएँ तो एक दिन पहले या दो घंटे पहले, है ना, एक दिन पहले मुझे बता दीजिए। हाँ तो भैया दो घंटे पहले, तीन घंटे पहले डेली, मतलब डेली अपडेट करते हैं। दिन में दो ब्लॉग या एक ब्लॉग, तो एक ब्लॉग मेरा, एक ब्लॉग तो रहता ही है। तो जब नैनीताल आ रहे हों तो ज़रूर इनके चैनल को देख लें, क्योंकि ये बता देते हैं कि आज रोड बंद है या फिर यहाँ पे हड़ताल है या फिर मार्केट बंद रहेगी या फिर नैनीताल का मौसम कैसा है, यहाँ का होटल के प्राइस कैसे हैं, टेम्परेचर कैसा है यहाँ का ख़ासतौर पर। तो ज़रूर भाई के चैनल को आप देखिएगा। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ, आपको थैंक यू बोलता हूँ, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई जगह पे, एक खूबसूरत जगह के साथ आपसे मिलेंगे कोजी अनुपम यूट्यूब चैनल पे। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, थैंक यू, गुड बाय, सी यू।